हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज वीडियो मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स टू कीप योर किचन क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑलवेज। सो ये जो टिप्स हैं ये मैं फॉलो करती हूँ अपनी डेली लाइफ में, जिससे मेरा किचन हमेशा क्लटर फ्री और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। सो आई होप ये सारे जो टिप्स हैं ये आप लोग की भी डेली लाइफ में आप सबके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। सो मोस्ट ऑफ अस यूज़ चॉपिंग बोर्ड टू कट द वेजिटेबल्स। सो मेरे पास भी ये वुडन का चॉपिंग बोर्ड है, और आप में से बहुत लोगों के पास वुडन का या फिर प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड होगा। तो जब भी मैं कोई भी वेजिटेबल चॉप करती हूँ उसके बाद मैं इमीडिएटली इनको वॉश कर लेती हूँ, बिकॉज इसमें कुछ भी थोड़े से वेजिटेबल्स लग जाते हैं या फिर उनके जूसेस लग जाते हैं। तो अगर आप इनको इमीडिएटली वॉश नहीं करेंगे, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो कभी कभार इनमें फंगस भी लग जाता है, स्पेशली वुडन वाले में। तो इसीलिए इसे इमीडिएटली आप जब भी यूज़ कर लें उसके बाद इसे अच्छे से वॉश कर लें, और उसके बाद ये क्लीन भी हो जाता है एंड नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए भी आपको क्लीन चॉपिंग बोर्ड मिलेगा। आप नॉर्मली इसको अगर आप जो भी डिश वॉशिंग सोप और लिक्विड यूज़ करते हैं उससे वॉश कर लें, एंड नाइफ्स को भी अच्छे से वॉश कर लें, बिकॉज नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास एक क्लीन चॉपिंग बोर्ड और नाइफ रहेगा। वाइल कुकिंग मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक एक्स्ट्रा प्लेट रखें अपने गैस स्टोव के पास, बिकॉज कुकिंग के टाइम पे हम वेरियस यूटेंसिल्स और स्पैचुला यूज़ करते हैं, एंड फिर उनकी रखने की हमें जगह नहीं होती तो हम डायरेक्ट स्लैब पे रख देते हैं, तो उससे उनका स्टेन लग जाता है स्लैब पे। तो अगर आप एक एक्स्ट्रा प्लेट रखेंगे तो आप उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ हो रही है कुकिंग के लिए उसको वहाँ पर रख सकते हैं, और उससे आपकी स्लैब भी गंदी नहीं होगी। और जब भी आप कोई भी वेजिटेबल पील करें, कट करें या फिर चॉपिंग करें, तो अपने पास एक खाली प्लेट रखें जिसमें आप वेजिटेबल्स के जो जो छिलके वगैरह हैं वो सब रख सकें, बिकॉज अगर हम उसे डायरेक्टली स्लैब पे रख देते हैं तो उनके स्टेन भी आप स्लैब पे लग जाते हैं। तो या तो आप ऐसे खाली प्लेट, जैसे मैं ये खाली प्लेट रख लेती हूँ, या फिर आप एक प्लास्टिक रख सकते हैं और डायरेक्ट उसमें डाल सकते हैं एंड फिर उसको डस्टबिन में डंप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ये बीटरूट पील कर रही हूँ, तो अगर ये डायरेक्ट स्लैब पे हम ये सारे छिलके गिराएंगे तो बीटरूट का कलर आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, लग जाता है, तो वो पूरा स्टेन पड़ जाता है आपके स्लैब में। तो इसीलिए आप प्लास्टिक बैग में इसे डायरेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे खाली प्लेट में कलेक्ट करें एंड देन उसे डस्टबिन में डंप करें। एंड हम ऐसे कंटेनर्स में जो अपने भी सामान वगैरह रखते हैं, तो जब भी वो खाली होने वाला हो तो ये मैं फॉलो करती हूँ कि जो भी कंटेनर मेरा खाली होने वाला होता है तो उसे मैं डायरेक्टली तुरंत रिफ़िल नहीं कर लेती हूँ, और उसको मैं खाली होने के बाद पहले उसे अच्छे से प्रॉपरली वॉश करती हूँ एंड देन उसको ड्राई होने के लिए रखती हूँ एंड देन उसको रिफ़िल करती हूँ। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके कंटेनर्स कभी भी गंदे नहीं होंगे, आपको किसी एक दिन बैठना नहीं पड़ेगा सारे कंटेनर्स को साफ़ करने के लिए, बिकॉज वो हर इंटरवल पे साफ़ होते रहेंगे। जब भी खाली होंगे आप उसे क्लीन करें एंड फिर उसे ड्राई करके उसे रिफ़िल कर दें, तो आपको कभी एक साथ बहुत सारा बर्डन नहीं आ जाएगा कि आपको बैठ के सारे कंटेनर्स क्लीन करने हैं। तो हमेशा आपके कंटेनर्स क्लीन ही रहेंगे अगर आप ये वाली टिप फॉलो करते हैं तो। और जब आप रिफ़िल करने लगे कंटेनर, तो एक मैं एडवाइस करूँगी कि जैसे बहुत से लोगों के घर में ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स नहीं होते तो राशन वगैरह कम यूज़ होता है, तो हमको पता नहीं रहता है कि हमारा सामान एक्सपायर हो गया, बिकॉज़ हम ऐसे पैकेट फेंक देते हैं उसे रिफ़िल करके। तो जब आप ऐसे रिफ़िल करें तो आप ये जिस इस वाले सेक्शन में जहाँ पे यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखी रहती है उसको कट कर लें एंड उसी कंटेनर में इसको डाल के रख लें, तो उससे आपको पता रहेगा कि ये आपका जो भी सामान है ये कब एक्सपायर होने वाला है, तो आप उसे टाइमली यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं एंड आपको कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना पड़ेगा। और
और जब भी आप कुकिंग करें तो आप अपने जो गैस स्टोव है उसको हमेशा क्लीन कर लें. एवरी टाइम यू कुक यू जस्ट क्लीन इट. आप गीले कपड़े से इसको वाइप कर सकते हैं. एंड रात में एक बार, लाइक वंस इन अ डे, इधर इन द मॉर्निंग और नाइट में. अगर नाइट में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नेक्स्ट मॉर्निंग आपको बिल्कुल क्लीन किचन मिलेगी. तो आप इसे अच्छी तरीके से ये जो कॉलिन वगैरह होता है इनसे क्लीन कर लें, तो जो भी स्टेन्स वगैरह लगते हैं दिन भर कुकिंग करने में, तो वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं और आपका स्टोव हमेशा क्लीन और न्यू रहता है. तो जैसे हर बार मैं खाना, जब भी जैसे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर बनाती हूँ, तो मैं ऐसे इन्हें गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ. बट रात में सोने से पहले मैं अच्छे से इनको ये कॉलिन से साफ़ कर लेती हूँ. और कभी हैवी कुकिंग करी हमने, जैसे कि कुछ ज़्यादा फ्राइड चीज़ें और ऐसी हैवी कुकिंग करने के बाद भी मैं ये चीज़ें कर लेती हूँ, बिकॉज़ उसके बाद बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाता है हमारा गैस स्टव, बिकॉज़ ऑयल वगैरह हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो ऑयल बहुत पड़ जाता है इन पे, तो इसलिए वो बहुत गंदे हो जाते हैं. तो हैवी कुकिंग के बाद आप इसे एक बार कर ले, और उसके बाद आप वंस इन एवरी नाइट ऐसे क्लीन करेंगे, तो आपका गैस स्टव बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा और हमेशा क्लीन रहेगा. और क्लीनिंग के लिए मैं ये स्पॉन्ज वाइप यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ ये बहुत अच्छे रहते हैं, इनसे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और ये तुरंत ड्राई भी हो जाते हैं. तो ये स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है. ये ऑनलाइन आपको ईजिली मिल जाएंगे. एंड देन उसके बाद आप जो भी जैसे कि ऑयल कंटेनर, सॉल्ट कंटेनर, मसालदानी वगैरह यूज़ करते हैं जब कुकिंग के लिए, तो उस टाइम हम जल्दी जल्दी में उस यूज़ कर लेते हैं, एंड उसमें हमारे हाथ अगर गंदे होते हैं तो उसमें स्टेन्स लग जाते हैं. तो आप उन्हें रात में एक बार ऐसे क्लीन कर लेंगे, अपने ऑयल कंटेनर्स और सॉल्ट कंटेनर्स, जो भी रेगुलरली चीज़ें यूज़ होती है जैसे कि ये सारी चीज़ें, तो इनको अगर आप एक बार रात में अच्छे से क्लीन कर लेंगे तो फिर ये भी हमेशा साफ़ रहते हैं, बहुत गंदे नहीं रहते हैं, बिकॉज ऑयल कंटेनर्स पे बहुत जल्दी स्टेन आ जाता है ऑयल का. तो अगर आप ऐसे साफ करते रहेंगे डेली, इट जस्ट टेक 2-3 मिनट्स, और बस यही हैबिट्स से आपकी किचन हमेशा साफ और ऑर्गेनाइज्ड रहेगी. एंड मैं एक चीज़ और करती हूँ कि जो भी मेरा ये काउंटर टॉप है, इसे मैं रात में एक बार अच्छी तरीके से कॉलिन से क्लीन कर लेती हूँ, बिकॉज़ अगर कोई भी स्टेन रह जाते हैं कहीं इधर उधर तो वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं. तो इससे मेरा जो ये काउंटर टॉप है, आप जैसा कि देख सकते हैं, वाइट कलर का है. एंड ये जो टाइल्स मैंने मेरे गैस स्टोव के सामने लगी है, इसको क्लीन करती हूँ, बिकॉज़ जब भी आप कुछ बनाते हैं तो उनके ड्रॉप्स वगैरह इस पर पड़ जाते हैं. तो अगर आप रात में एक बार अच्छे से क्लीन कर लेते हैं तो ये हमेशा क्लीन रहते हैं और मेरा ये काउंटर टॉप भी हमेशा साफ रहता है. ऑल्दो ये वाइट है, बट मैं डेली ऐसे ऐसे क्लीन करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता. तो मुझे वंस इन टू वीक इसे डीप क्लीन करना पड़ता है, और रेगुलरली मैं ऐसे कॉलिन से इसे साफ कर लेती हूँ, तो ये हमेशा साफ सुथरा और चमकदार रहता है. और अगर आप ऐसे वुडन चॉपिंग बोर्ड यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने के बाद ऐसे थोड़ा डल हो जाते हैं, एंड थोड़ा ड्राई लगने लगता है, ओल्ड लगने लगता है. तो इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप जो भी मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं खाने के लिए, उसके फ्यू ड्रॉप्स इस पर डालें और इसको अच्छे से इस पर मसाज कर दें. एंड आपको पता होगा कि वुडन पे अगर हम ऑयल से अच्छे से मसाज कर देते तो उसमें वो चमक आ जाती है एंड उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है. तो वंस इन अ मंथ आपको ये चीज़ करनी है कि जब आपका वो चॉपिंग बोर्ड बहुत ही डल एंड ड्राई लगने लगे तो आप कुछ ड्रॉप्स ऐसे डालिए नाइट में, एंड उसको अच्छे से मसाज करके उसको ओवरनाइट रख दीजिए, तो वो पूरा अच्छे से ऑयल सोक कर लेता है, एंड देन उसके बाद आपका चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल न्यू हो जाता है. एंड
एंड जैसे कि हम लोग मिक्सर ग्राइंडर बहुत यूज़ करते हैं कुछ भी सामान ब्लेंड करने के लिए, तो जो भी ये मिक्सर जार है हम अगर इसे हम तुरंत क्लीन कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। और जैसे कि मिक्सर की जो ब्लेड होते हैं उसके नीचे हम अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते, अगर हम अपने हाथों से इसको क्लीन करते हैं तो वो नीचे पे जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह लगे, जो भी हम खाने का सामान उसमें ब्लेंड करते हैं लाइक तो जो भी चीज़ों का पेस्ट बनाते हैं अनियन टोमेटो का, तो वो जो ब्लेड है उसके नीचे लग जाता है। तो उसके लिए आप इसको वॉश करें एंड देन उसमें थोड़ा सा पानी लेके, आपके पास अगर डिटर्जेंट है या तो आप डिटर्जेंट डाल सकते हैं या फिर लिक्विड डिश वॉशर उसमें डाल सकते हैं एंड देन उसको थोड़ी देर के लिए ब्लेंड कर दें, तो जो भी उसके एजेस पे और ब्लेड्स के नीचे पे जो भी आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स लगे रहेंगे खाने के वो सारे निकल जाते हैं एंड ये बहुत अच्छे से जार आपका क्लीन हो जाता है। सो आई होप आप लोगों को मेरे टिप्स पसंद आए होंगे एंड आप में से बहुत लोग इनमें से कुछ टिप्स फॉलो भी करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।